ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेलवे के निजीकरण एवं निगमीकरण जैसे ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों को बेचने के विरोध में रविवार को संपूर्ण भारतीय रेलों पर राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत एनी रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा कहा कि अगर सरकार ने रेलवे का निजीकरण बंद नहीं किया तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के संयुक्त महामंत्री नवीन कुमार मिश्रा ने कहा, मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा, संयुक्त महामंत्री एनी रेलवे मजदूर यूनियन। करण जो रेल को बेचने का काम भारत सरकार कर रही है, इसी के विरोध में आज जो है यह शुरुआत हुआ है। आगे की रणनीति हमारे 14-15 तारीख को जो वर्किंग कमेटी ARF का होगा उसमें तय किया जाएगा। और भारत सरकार जो मनमाने तरीके से समय समय पर रेल को बेचने का काम कर रही है, उसका यह आज शुरुआत है।